हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें फाइव कार्ड्स मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। कौन आ रहा है बरगंडी, क्या हालचाल तुम्हारे, कहाँ गायब थे तुम, तुमको भी नज़र लग गई थी क्या। टू मोर कार्ड्स, एम्प्रेस आते हैं तो एम्परर आ जाते हैं, डेथ आता है तो द फूल आ जाते हैं, और डेविल आते हैं तो प्रभु दर्शन देते हैं। देखते हैं कि अभी कौन आने वाला है। हमारे प्रभु आ गए यहाँ पर तो। हर हर महादेव। तो गाइज, रीडिंग की शुरुआत आज हमारे बरगंडी ने की है। इसका मतलब कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा। सुबह की रीडिंग अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपके पर्सन की एनर्जी में एक एनर्जी ऐसी है जैसे कि मुझे एक्शन लेना है, डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं, प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी किसी भी हद तक जाकर एक्शन लेना है। तो यहाँ पर वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है, बिकॉज वी हैव डेविल विद डेथ कार्ड एंड डेथ विद एम्प्रेस एंड एम्परर। समझ रहे हैं, एनर्जी का फ्लो ऐसा है जैसे आपके पर्सन ने सारी हदों को पार करने का निर्णय ले लिया है, करेज में है, पूरी हाथी वाली एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी। यहाँ पर क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बैलेंस्ड वे में एक्शन लेंगे, मीन्स सोचा समझा एक्शन है। और ओवरऑल एनर्जी वी हैव टेम्परेंस, तो शिव शक्ति की एनर्जी है, तो यूनियन की वाइब्स है, ठीक है। तो वाइब्स, एनर्जी कार्ड देखकर हैवी लग रही है, लेकिन वाइब्स मुझे पॉजिटिव पिक हो रही है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। साइन बता देती हूँ, वी हैव सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। मुझसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम हमने कोई वीडियो देखी है जिसमें सांप है और यही सेम मूर्ति है जो कि ज़मीन के अंदर से निकली है, ऐसी ही मतलब मूर्ति है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रील भेजी है, तो मैं बता दूं कि मेरी भी मूर्ति बहुत पुरानी है और बहुत जागृत है और काफ़ी पुरानी है। काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि कम से कम नहीं तो 30 साल तो है, 30 साल भी नहीं, 40 या उसके ऊपर ही है। तो पुरानी मूर्ति है मेरी, और इसकी स्टोरी मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की हुई है पहले, तो इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगी। बट ये भी काफ़ी पुरानी मूर्ति है, 40 से 50 साल के बीच में ये मूर्ति को टाइम हो चुका है। उतने साल पहले आई थी मेरे पास, मतलब मेरे डैडी के पास, और वहाँ से मैं ले आई। तो अब इस पर हम सबका अधिकार है। बरगंडी जी, क्या हालचाल आपके। बरगंडी बहुत खुश है, मोगैम्बो खुश हुआ। वी हैव एम्परर विद सक्सेस, तो यहाँ तो बरगंडी बहुत हैप्पी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। द रिबल की एनर्जी है, यहाँ से भी एम्परर, यहाँ से भी एम्परर, और ऐसा नज़र आ रहा है कि इसे पता है कि आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और ज़िद में आके डिसीजंस कुछ लेने वाले हैं आपके पर्सन, जो कि आपके फेवर में होगा।
तो मैंने पहले ही कह दिया ना, वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ को क्लैरिफाई किया है रीबर्थ ने। अब बताइए, डेथ एंड रीबर्थ, कुछ ख़त्म होगा फिर एक नई शुरुआत होगी। समथिंग इज गोइंग टू एंड फॉर अ न्यू बिगनिंग, राइट? वी हैव एस, मजिशियन एंड डेविल के बाद डेथ आया है एंड वी हैव माइंड। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो माइंड है इस वक्त डिस्टर्ब है। इनकी एनर्जी में है कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी या करूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। सो एनर्जी इज़ द सेम, बिल्कुल सेम, जो मेजर अरकाना से आई है, टैरो से भी सेम एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस, पास्ट लाइफ, यहाँ पर यूनियन की वाइब्स हैं, पास्ट लाइफ की एनर्जी है। यहाँ पर वाइब्स हैं पेंडिंग कर्मास की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यिन एंड यांग की वाइब्स हैं। हैवी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पर टेम्परेंस आए हैं और यहाँ पर वी हैव यिन एंड यांग और शिव शक्ति की वाइब्स हैं। हमारे वैदिक कल्चर में अर्धनारीश्वर कहते हैं और बाकी दुनिया में यिन एंड यांग से जाना जाता है। सो बहुत सारे डिवाइन यूनियंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव एम्प्रेस एंड एम्परर टुगेदर। सो यहाँ ये यूनियन को दर्शा रहे हैं, यहाँ ये थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं है, यहाँ ये यूनियन की वाइब्स है। आपके पर्सन और आपके बीच में यूनियन होने वाला है कुछ स्ट्रॉन्ग दैवीय कृपा के साथ। एम्परर क्यों आए हैं? एम्परर, एम्प्रेस को एम्परर ने क्लैरिफाई किया, एम्परर को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया। वी हैव क्रिएटिविटी, सो यहाँ पे क्रिएशन होने वाला है। डेफिनेटली आपके पर्सन टर्निंग इन की एनर्जी में है विद द सन एनर्जी, नॉलेज, विजडम, पावर एंड अपनी सोल की आवाज़ सुनकर एक्शन लेंगे। सन रिप्रेजेंट सोल, कैसा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फॉर वॉट, स्ट्रेंथ फॉर हैरोफेंट, यूनियन की वाइब्स हैं। यहाँ पर एक बड़ा चेंज आने वाला है, 5-5 मेजर चेंज, लेकिन कंट्रोल में, बैलेंस में, कुछ बड़े चेंजेस जिसके लिए स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। जय प्रभु। वी हैव फ्लावरिंग विद कॉन्शियसनेस, हारमोनी एंड मास्टर। इससे बढ़िया कार्ड आ ही नहीं सकते, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। वी हैव फ्लावरिंग, हारमोनी, द मास्टर एंड कॉन्शियसनेस। महायोगी के एनर्जी को इससे बेहतर कार्ड क्लैरिफाई नहीं कर सकते, टैरो में इससे ज़्यादा शक्ति नहीं है। यहाँ पर आज वाइब्स ही डिफरेंट है, पता नहीं मुझे यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जीज पिक हो रही हैं। वी हैव, यहाँ स्वयं द मास्टर की एनर्जी है। मेरे ऊपर यहाँ पे कोई एनर्जी है जो आप तक ये मैसेजेस पहुंचा रही है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लीजिए, बिकॉज बहुत चेंजेस आने वाले हैं। अभी जो आने वाला ग्रहण है ना, और ये नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे आने वाले समय में। थैंक यू एंजल्स, जय हो शिव शक्ति। एनर्जी, जय प्रभु। देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, हैप्पी फैमिली, पहला ही कार्ड विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। अच्छा, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वी हैव 4-4-4। देखिए, जब लूनर एक्लिप्स हुआ था तो मून और केतु की वाइब्स थी, ठीक है। केतु क्या करता है? केतु डिटैच करता है, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को रिलीज करता है। मून क्या है? मन है, मन को कंट्रोल करता है। और अब ग्रहण की एनर्जी, जैसे जैसे हम ग्रहण के पास जा रहे हैं, वैसे ग्रहण की पूरी स्पेसिफिक वीडियो राशि के अकॉर्डिंग आज या कल में मैं पोस्ट कर दूँगी, कोशिश करूँगी आज ही पोस्ट करने की, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें।
एस्ट्रो विद एम सिंह पे, और एस्ट्रो पे सन की सीरीज़ चल रही है, इसके पहले केतु की पूरी सीरीज़ हो चुकी है। तो ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने बर्थ चार्ट को लेकर देख लीजिए कि कौन सा हाउस आपका है, और जब भी आपका हाउस आपको देखने मिलता है उस हाउस को ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। सो यहाँ पर जो वाइब्स है राहु की है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो राहु से होता है और राहु मीन राशि में है, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट आपको कैसा देखने मिलेगा, इल्यूजन्स, ग्रहण की एनर्जी में इल्यूजन्स बहुत क्रिएट होंगे, क्योंकि राहु इमेजिनेशन है, राहु पर्पस है, राहु बहुत ज़्यादा आपके माइंड को स्मोकी बनाएगा। कई बार राहु में फंस कर लोग मुश्किल हालात में भी चले जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, रिस्क ले लेते हैं कोई बहुत बड़ा, और राहु में ही एनर्जी में अगर आप मेडिटेटिव मोड में हैं तो आप बहुत सटीक डिसीजंस लेते हैं, बहुत ऊंचाई को हासिल करते हैं, और वो भी सन के साथ, सोलर एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप मैस्कुलिन को लें, क्योंकि लूनर एक्लिप्स पे फेमिनिन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा कंपेयर टू सोलर, क्योंकि सन रिप्रेजेंट मैस्कुलिन एनर्जी, मून रिप्रेजेंट फेमिनिन एनर्जी, तो यहाँ पर लूनर एक्लिप्स में इमोशंस पे इफेक्ट हुआ, और सोलर में क्या होगा, आपके मैस्कुलिन के इमोशंस बाहर आएंगे, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, वो तो बाद की बात है, वो तो हम अभी रीडिंग्स में देखेंगे, बट आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में जो फेमिनिन साइड है वो बाहर आएगा, तो मज़ा आएगा देखने में। वी हैव हैप्पी फैमिली, सिक्स्थ चक्रा, दैट इज थर्ड आई, एंड वी हैव द थिंकिंग मैन, करंट फीलिंग्स, डोर टू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जर्नी विद डोर टू रोमांस। तो वाइब्स तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कि एनर्जी आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी पॉजिटिव होगी। द थिंकिंग मैन विद द जर्नी एंड डोर टू स्पिरिट, ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ डेस्टाइंड है, बहुत समय से चलता आ रहा है, और इस जर्नी में अब एक बड़े शिफ्ट के लिए आपको तैयार रहना है। ये जो शिफ्ट है ये बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलेगा, आपके पर्सन के इमोशंस में, आपके पर्सन के बिहेवियर में। ये बहुत, अगर इंट्रोवर्ट रहे हैं ना, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस ना करना, छुपा कर रखना, दबा कर रखना, ये आपको बहुत एक्सप्रेसिव मिलेंगी या मिलेंगी। साथ ही साथ आपके साथ फैमिली बनाने का जो इनका होप है वो आपको बहुत स्ट्रांगली नज़र आएगा, इनकी डेडिकेशन आपको नज़र आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नो कांटेक्ट में होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियोस देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे जो कांटेक्ट में होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी कांटेक्ट में होते हैं, कभी नो कांटेक्ट में होते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगी। बहुत सारे मैरिड कपल्स होंगे, बहुत सारे अनमैरिड कपल्स होंगे, और बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल कपल्स होंगे जो ये वीडियोज़ को देखेंगे। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बता दूँ तो आपके पर्सन की वाइब्स आपको लेकर चेंज होने वाली है, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव मैनर। तो आपको होप यही रखनी है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं, क्योंकि जब भी कोई फुल मून, न्यू मून या कोई ग्रहण आता है तो अगर उसके पहले आपकी वाइब्स नेगेटिव है तो आपके ऊपर 15 गुना नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आप अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो आपको चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, इमेजिन बहुत अच्छा करना है। रात को सोते टाइम बहुत पॉजिटिव इमेजिन करके सोइए, सुबह उठते टाइम बहुत अच्छा सोचिए, ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हों, ठीक है। क्योंकि आपके साथ और आपके पर्सन के साथ यहाँ स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन पावर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की पावर्स हैं, आपके ईस्ट की कुल देवी कुल देवता की पावर्स हैं। तो यहाँ पर आप जो सोचेंगे वो क्रिएट होगा इस जर्नी में, सिंपल मैसेज है आपकी रोमांटिक लाइफ में। तो आपके पर्सन यही करने वाले हैं, ऐसी वाइब्स निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स,
पहला कार्ड वी हैव द सन, वी हैव सूर्य शनि टुगेदर. देन वी हैव नंबर 6, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5. तो यहाँ पर सबसे पहले 1144 बहुत सारे लोगों को नज़र आएंगे, जिनके भी लाइफ में ये एनर्जी रेजोनेट होगी ना. आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ सोलर इक्लिप्स के पहले ही, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हों तो आप समझ लें कि एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी. इफ़ेक्ट आपको बहुत क्लियरली नोटिसेबल चेंजेस नज़र आएंगे. एंजल नंबर है यहाँ पर 1111, 911, 144, 888, 888, 919, 144 बोल दिया ना मैंने, हाँ, और बस ये कुछ नंबर हैं जो आप 818 भी आपको नज़र आ सकता है जी. तो वी हैव 1144, 144, 919, 999, 888, 818 एंड दैट्स ऑल, 911. ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे. और अगर ये नंबर्स नज़र आते हैं तो आपके लिए आने वाले 6 डेज या जब भी ये एनर्जी आप देखोगे उसके बाद विद इन 6 डेज कुछ नोटिसेबल चेंजेस आपको दिखेंगे. या तो ड्रीम में आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा, या तो इन 6 डेज में आपको आपके पार्टनर ड्रीम में नज़र आ सकते हैं, उनके तरफ से कोई पॉजिटिव साइन, कोई पॉजिटिव स्पिरिट एनिमल या कोई एंजल्स, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको ड्रीम में या रियलिटी में रिसीव हो सकती है. मैसेजेस या कॉल्स बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे बिकॉज ओवरऑल एनर्जी वी हैव कम्युनिकेशन, तो आपकी बातचीत होगी. साथ ही साथ अगर आपका पर्सन बहुत टाइम से आपसे विड्रॉ किया हुआ है, आपसे डिसकनेक्टेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका है या कर चुकी है, तो भी यहाँ पर एनर्जी आपके फेवर में आई. यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वो उन सिचुएशन से, उन कार्मिक एनर्जी से, उन फैक्टर्स से जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे, निकल जाएंगे उन सिचुएशन से, कट ऑफ करेंगे उन सिचुएशन को और आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकते हैं. तो ये वाली वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही है, जस्टिस की वाइब्स है, तो यहाँ एनर्जी आपके फेवर में होगी. लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आने वाले 6 दिन के अंदर आपके साथ सारी नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कार्मिक पेंडिंग, कुछ कर्मा उनके साथ, कुछ प्रारब्ध आपका कर्मा एसोसिएटेड है. इसके लिए आप कलेक्टिव रीडिंग के अलावा पर्सनलाइज्ड रीडिंग से कन्फर्मेशंस ले सकते हैं कि ये एनर्जी टेम्पररी है या इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने मिलेगा. देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स की तरफ से, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज. इंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग. मैंने कहा ना स्पिरिट्स की एनर्जी आपके आसपास रहेगी. यहाँ है टेक न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस. बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप करोगे एंड लर्न टू वैल्यू इट, और जो एक्सपीरियंस आप करोगे उसकी वैल्यू भी करोगे, सीखोगे वैल्यू करना. नेक्स्ट वी हैव लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज. जो आप सोचते हैं वो आप क्रिएट करते हैं. कोई भी पर्सन अपनी रियलिटी को क्रिएट कर लेता है, या तो वो रंग से राजा बनने का दम रखता है क्रिएशन में, या तो राजा से रंग. कई लोग के पास सब कुछ होता है, बचपन से ही पूरे सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून में रहे हैं, सब कुछ मिला है, माँ बाप ने सब कुछ दिया है. उसके बाद भी कई लोगों को आप देखोगे कि पिता ने, दादा ने बहुत कुछ बनाया बट बच्चों ने सब गंवा दिया. और वहीं पे आप देखोगे कि पिता जो है वो ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, बहुत गरीबी में उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया. बट ऐसे लोग जो हैं वो कुछ नहीं मिला लाइफ में बट उन्होंने सब कुछ अचीव किया. तो ये क्या है, क्रिएशन है. आपके अंदर वो क्रिएटिव टैलेंट भगवान दिया होता है, आपके पास दिमाग दिया होता है. आप उस दिमाग से अच्छे रास्ते पर भी चल सकते हैं, बुरे रास्ते पर भी चल सकते हैं. कर्मा क्रिएट आप ही करते हैं, ठीक है.
तो आपको अगर ड्राइविंग भगवान ने सिखा दिया तो आप ड्राइव करके गड्ढे में गिर जाएं या ड्राइव करके आप किसी अच्छी सिचुएशन में रहें, वो आपके हाथ में है। तो ये एनर्जी है, आप जो भी सोचते हैं वही क्रिएट होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने व्यूवर्स को कि हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि अच्छा सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता। नेगेटिव सोचने से अगर आपके अगल बगल की नेगेटिव स्पिरिट्स अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी तरफ, प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, तो अच्छा सोचिए ताकि अगल बगल आपके जो भी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं वो अट्रैक्ट हों, वो आपको ब्लेस करें। ठीक है। देन वी हैव लॉस्ट इन द रून्स ऑफ द पास्ट। काफ़ी लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही नहीं चाहते, उनको बस पास्ट की पड़ी है, पहले जैसा था वैसा हो जाए। सच है या गलत है बताना कमेंट में। किसको किसको पास्ट की रहती है कि आपके मन में ये चलता है कि काश कि सब पहले जैसा हो जाए, काश कि जितना मेरा पर्सन बदल गया है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, बबल फेस की तरह। पास्ट में मत रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, क्योंकि जो आपसे सच में प्यार करेगा ना वो चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज होगा तो इन अ पॉजिटिव वे होगा। प्यार वो है जो डे बाय डे बढ़ता है, घटता नहीं है। प्यार कोई सामान नहीं है जो डिप्रिशिएट हो जाए कि आज मैंने इतने का लिया, 4 साल बाद डिप्रिशिएट होके इतने का हो गया। नहीं, प्यार वो ट्रेजर है जो बढ़ता है, जैसे गोल्ड बढ़ रहा है वैसे प्यार की वैल्यू बढ़ती है, डे बाय डे बढ़ता है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज दिस स्पेस एज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर है, विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। आपके अंदर ही है अवेकनिंग, बस आपको ट्रिगर करना है। चाबी, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपको चाबी मिल जाती है। मेरा भगवान शिव के संकेत वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं जब अपने अवेकनिंग फेज में थी तो मुझे बार 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 एक ही रास्ता नज़र आता था और उसी रास्ते पर मैं चलती थी, बट ऊपर जाने का रास्ता बंद था, ताला बंद था। भगवान चाहते थे कि मैं वो ताला खोलूं, और वो ताला खोलना इतना आसान नहीं है, वो चाबी जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो आपको लाइफ में एकदम खदेड़ डालेंगे, उसके बाद वो चाबी मिलेगी। अगर उतना खदेड़ने के बाद आपके अंदर शरीर में जान रही और जज्बा रहा तो वो चाबी आपको मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान को बिलीव रखा आपने, भगवान पर से बिलीव आपने हटाया नहीं, तो वो चाबी आपको मिल जाएगी। मतलब वो परीक्षा आपने पास कर ली, तब आपको एक ताला खोलने को मिलेगा। जैसे हम लोग एक ट्रेजर वाला गेम नहीं खेलते हैं कि एक स्टेज पार हुआ तो फिर दूसरे के लिए ताला खुला, फिर दूसरा स्टेज पार हुआ तो फिर तीसरे का लॉक खुलेगा, वैसे ही आपकी असेंशन जर्नी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर वो कहता है कि वो फुल्ली अवेकंड है और फुल्ली असेंडेड है तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी कनेक्शन है, ऐसी जर्नी है, ऐसा सिचुएशन है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, आपको अनलॉक करते रहनी है अपनी एनर्जीज को, सीखते जाना है। ठीक है, अगर आपने बहुत सीखा है तो समझ लीजिए कि अभी आपने 1% सीखा है, ऐसी सिचुएशन है। तो लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, आप चींटी से भी सीख सकते हैं, मच्छर से भी सीख सकते हैं। मेरे अगल बगल तो मच्छर भी आते हैं, तो अब मुझे काटना छोड़ दिए पता नहीं क्यों, तो उनसे भी मैं सीख लेती हूँ कुछ ना कुछ कि यार ये लोग भी मुझे छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा खून ही पी लो, थोड़ा दान हो जाए, अगर किसी दिन दान पुण्य नहीं किया है तो, बट वो भी छोड़ दे रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, उन्हें भी दया जा रही है मेरे ऊपर। रिलीज योर इनर रेबल, शायद उन्होंने भी डाइट कर लिए, चाय नहीं पीते अब, उन्हें लगता होगा इसके शरीर में तो बहुत चाय है, छोड़ दो इसको नुकसान करेगी ये। सेती गाइस, मजाक करती हूँ बहुत मैं, आप लोग माफ़ करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। टेक केयर, बाय बाय।